नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूस्पोरिन डस्टिंग पाउडर के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे कि न्यूस्पोरिन डस्टिंग पाउडर को कहां पर उपयोग में लिया जाता है, क्या इसके साइड इफेक्ट है, प्रिकॉशन आप लोगों को क्या रखनी है और इसको किस तरह से आपको यूज करना है। पूरी जानकारी आपको न्यूस्पोरिन डस्टिंग पाउडर के बारे में इस वीडियो में जानकारी मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इसके मैन्युफैक्चर के बारे में। तो जीएसके फार्मास्यूटिकल कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो 70 से 80 रुपीस तक आपको एक डिब्बी जिसमें 10 मिलीग्राम डस्टिंग पाउडर आता है वो किसी भी आपको मेडिकल स्टोर में अवेलेबल हो जाता है। अगर हम बात करें कंपोजिशन के बारे में कि भाई न्यूस्पोरिन डस्टिंग पाउडर में कंपोजिशन क्या है, कौन सी ड्रग इसमें मिली हुई होती है, तो ये जो पाउडर है एक तरह का एंटीबैक्टीरियल पाउडर है। तो जितने भी प्रकार के जो एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं वहाँ पर इसको यूज किया जाता है। तो इसमें तीन एंटीबायोटिक्स मिली हुई होती है। सबसे जो पहला है वो है न्यूस्पोरिन, और सेकेंड है बेसिट्रासिन, और थर्ड है पॉलीमाइक्सिन। जो है वो तीनों बैक्टीरिया इन्फेक्शन को कम करने के लिए तीनों एंटीबायोटिक्स हैं इसमें मिलाए हुए होते हैं। ठीक है, नियोमाइसिन जो है वो इसमें 3400 इंटरनेशनल यूनिट, और बेसिट्रासिन जो है वो 400 इंटरनेशनल यूनिट, और पॉलीमाइसिन जो है वो 5000 इंटरनेशनल यूनिट इसमें मिला हुआ होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं यूजेज के बारे में कि न्यूस्पोरिन डस्टिंग पाउडर को कहाँ पर उपयोग में लिया जाता है। तो ये जो पाउडर है वो एक एंटीबैक्टीरियल पाउडर है। तो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में इसको यूज किया जाता है। खासतौर पर हमारे स्किन के ऊपर जितने भी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वहाँ पर हम न्यूस्पोरिन डस्टिंग पाउडर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई स्किन पर कट लग गया है या स्किन पर कोई घाव हो गया है जहाँ पर ब्लड आ रहा है, या स्किन कहीं से जल गई है, ठीक है, या चोट लग गई है वहाँ से खून बह रहा है, तो वहाँ पर आप न्यूस्पोरिन डस्टिंग पाउडर को यूज कर सकते हैं, जिससे भाई इन फ्यूचर में आपको वहाँ पर कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन ना हो, और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो भी गया हो तो धीरे धीरे वो रिकवर हो जाए और घाव को जल्दी फैलने न रहे। तो इस तरह से आपको न्यूस्पोरिन डस्टिंग पाउडर को इन्फेक्टेड एरिया पर आपको लगाना चाहिए। अब हम दोस्तों बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में कि न्यूस्पोरिन डस्टिंग पाउडर के क्या साइड इफेक्ट हैं। तो देखिए दोस्तों, ये कोई ओरली ड्रग्स नहीं है, इसे ओरली नहीं लिया जाता है, ये ओनली फॉर टॉपिकली अप्लाई किया जाता है, एक्सटर्नल इसको अप्लाई किया जाता है। तो हमारे स्किन के ऊपर जहाँ पर हम अप्लाई करते हैं वहाँ पर आपको इरिटेशन है, बर्निंग सेंसेशन है, या आपको इचिंग की प्रॉब्लम है, रेडनेस है, ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसके कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में इस यूज़ करते हो तो ही ये साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। जनरली ये साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलते हैं क्योंकि एक टॉपिकल पाउडर है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि न्यूस्पोरिन जो डस्टिंग पाउडर है उसके क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, किस तरह से ये बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को खत्म करता है। तो देखिए, न्यूस्पोरिन डस्टिंग पाउडर में तीन तरह के एंटीबायोटिक्स मिले हुए होते हैं। तो ये जो तीनों एंटीबायोटिक कंबाइन फॉर्म में बैक्टीरिया को किल करते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को खत्म करते हैं और हमारी स्किन को धीरे धीरे रिकवर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, हमारे शरीर में ये कार्य करते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं प्रिकॉशन के बारे में कि भाई न्यूस्पोरिन डस्टिंग पाउडर आपको यूज करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे जो पहली बात यह है कि कट वाले एरिया में कभी भी आपको न्यूस्पोरिन डस्टिंग पाउडर नहीं लगाना है। ठीक है, दूसरी बात, भाई न्यूस्पोरिन डस्टिंग पाउडर अगर आप लगा रहे हो तो उसके बाद आपको किसी भी बैंडेज से उसको टाइट नहीं करना है, उसको बांधना नहीं है, ऐसे ही आपको खुला रखना है। अगर आप बांधोगे तो और भी इसके जो साइड इफेक्ट आ रहे हैं, रेडनेस है, इचिंग है, बर्निंग सेंसेशन है, ये सारे साइड इफेक्ट आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। न्यूस्पोरिन डस्टिंग पाउडर को आपको ओनली फॉर उसके घाव के ऊपर लगाना है, इसको रब नहीं करना है। रब का मतलब होता है घिसना नहीं है, ओनली फॉर लगाना है, जो अफेक्टेड एरिया है वहीं पर आपको लगाना है। तो ये सारी बातों को आपको न्यूस्पोरिन डस्टिंग पाउडर यूज़ करते समय ध्यान रखना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ न्यूस्पोरिन डस्टिंग पाउडर के बारे में एक बेसिक नॉलेज आपको मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सामने लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे हमारा आने वाला हर एक नया वीडियो आप तक पहुँचेगा। सबसे पहले जय हिंद, वंदे मातरम।